नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के। बिहार दारोगा की परीक्षा की तैयारी आप करते हैं और 1275 दारोगा भर्ती के फॉर्म को भरने की तैयारी में आप हैं, तो जी हां, फॉर्म भरने से पहले आप परीक्षा तिथि से अवगत हो लीजिए, क्योंकि परीक्षा की तिथियों की औपचारिक ऐलान ही महज बाकी है। ऑफिशियल तौर पर डेट की घोषणा जारी कर दी गई है, आप वो देख सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय हार्डिंग रोड की तरफ से एक सर्कुलर एक लेटर जारी किया गया है 4/10/2023 के डेट में, जो कि कल यानी 5 अक्टूबर को ये लेटर रिलीज हुआ है सोशल मीडिया में। प्रेषक कौन है, तो ये लेटर भेजने वाले हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना के अध्यक्ष, और इन्होंने क्या लिखा है, तो सेवा में जिला पदाधिकारी यानी सभी जिलों के DM के नाम पर, और कहाँ के DM, तो बिहार के सभी जिले के DM। क्या है विषय, तो विषय जो है इसी विषय में आपके एग्जाम की डेट छुपी हुई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर चयन या भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 17/12/2023 रविवार को 2 पाली में आयोजित कराने हेतु परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अध्ययन आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर चयन या नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 17/12/2023 को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। विदित हो कि दोनों पालियों के लिए अलग अलग अभ्यर्थी होंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारी अपने जिले के परीक्षा संयोजक यानी एग्जाम कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाते हैं, इसीलिए DM को ही ये लेटर लिखा गया। प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु आपके जिला अंतर्गत अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या की सूची अनुलग्नक का, जो कि पेपर इनको संलग्न किया होगा, संलग्न है, इनकी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र तथा यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएँ। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को भी रखा जा सकता है। वैसे विद्यालय महाविद्यालय जो पूर्व परीक्षा केंद्र में विवादास्पद रहे हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाए। परीक्षा केंद्र के रूप में विद्यालय महाविद्यालय के चयन के पूर्व आश्वस्त हो लिया जाए कि यहाँ कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ही ली जा सकती है तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं जहाँ, इतना ही लेटर यहाँ पे निकल करके आया है सोशल मीडिया में। यानी इसका जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि 17/12/2023 यानी 17 दिसंबर को 2 पाली में बिहार दारोगा की PT की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं, वो पूरी तैयारी के साथ इस डेट को ध्यान में रखते हुए इसी थ्रेशहोल्ड डेट पर आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।